अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ, आइए देखते हैं ये वीडियो किस बारे में। आज हम वीडियो में सीखेंगे कि महावितरण का ऐप जो महाराष्ट्र में भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और दीगर सहूलियात के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कैसा यूज़ करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसको डाउनलोड करने का तरीका पहले बता चुका हूँ, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। मैं इस ऐप को चालू करता हूँ, चालू होते होने को थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, अब जैसा ही आप ये ऐप चालू करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको क्या करना है, एक लॉगिन नेम और पासवर्ड बनाना है, मतलब ये बनाने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो डोंट हैव अकाउंट साइन अप, इस वाले लिंक को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लॉगिन नेम एक और एक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंज्यूमर नंबर तो आपको पता ही है, आपके बिल में टॉप में लेफ्ट साइड में रहता है कंज्यूमर नंबर या ग्राहक क्रमांक बोल के, जो 57 या 50, हाँ जो 57 से स्टार्ट होता है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले आपको कंज्यूमर नंबर, जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर नंबर है, मैं वो यहाँ पर टाइप करता हूँ 5710 जो भी है। हाँ ये कंज्यूमर नंबर, सॉरी एक डिजिट हो गया, एक मिनट। उसके बाद मोबाइल नंबर, जैसे कि ये वाला मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी, ये वाला ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं। उसके बाद एक लॉगिन नेम बताना होगा मैं, कौन सा भी एक, जैसे कौन सा भी आपका नाम एक जम, जैसे समझो मिसाल के तौर पे शाहरुख है तो शाहरुख ये नाम का मैं है, तो यहाँ पे क्या है लॉगिन आईडी बना दूँगा। और उसके आगे कौन सा भी एक नंबर डाल दूँगा, समझे शाहरुख वन बोल के। इसके लिए पासवर्ड, आप देखो पासवर्ड है तो इजी पासवर्ड बना देंगे हम कौन सा भी, इसके लिए सीधा सीधा ऊपर वाला नाम भी ले लेंगे, एस कैपिटल ले लेंगे, बाकी का जैसा का वैसा रख देंगे, शाहरुख KH। और आगे सिर्फ इसके एक नई चीज़ ऐट द रेट 123 ऐड करेंगे, कन्फर्म में भी वैसा ही शाहरुख 12 ऐट द रेट 123। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे शो का एक बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप शो करेंगे पासवर्ड, क्लिक करेंगे ये पासवर्ड शो करेगा, उसी तरह नीचे भी देखिए दोनों सेम है क्या। आप चाहे तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट पता है ना, स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। बाद में आप जैसे अगर पासवर्ड भूल भी गए तो आप इसको हाइड करेंगे, और इसके बाद इसको है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट में क्लिक करें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, लॉग इन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, चूज डिफरेंट लॉग इन नेम। ठीक है, शाहरुख बहुत कॉमन नेम है, इसको हम हटा देंगे। हाँ देखो, पासवर्ड याद रखना है आपको, सिर्फ लॉग इन नेम हटाए, पासवर्ड वही रहने देंगे, लॉग इन नेम है तो दूसरा कोई भी डालेंगे, जैसे कौन सा भी नाम डाल दो, कौन सा, जैसे अतीक, नहीं तो आतिफ। इसके आगे आप एक 1984 ये डाल देंगे, ये ठीक रहेगा। जैसे आपके बर्थ का ईयर भी आप डाल सकते हैं तो वैसा ही यहाँ डाल दिए, खाली पासवर्ड वही है, यह शो करके देखना पासवर्ड पहला ही है, पासवर्ड कुछ चेंज नहीं करें, सिर्फ लॉगिन नेम चेंज करें। तो ठीक है, सबमिट पे क्लिक कर दिए। जैसी कर दिए, देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया,
हम उसके बाद इसको ओके पे क्लिक कीजिए। अब देखो लॉगिन करेंगे अपन, लॉगिन नेम क्या बनाए थे अभी याद है ना आपको? आतिफ, आतिफ 1984, 1984 बनाए थे। और पासवर्ड तो याद है ना आपको? शाहरुख। एट द रेट 1 2 3 यहाँ शो करके आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रखने का तो रख सकते हैं, आसानी होगी भूलना नहीं बोल के। ठीक है, अब इसको हम लॉग इन करेंगे। जैसे लॉग इन करें ये वाले पेज पे आ जाएंगे। ये सेव करके आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि ये टेम्पररी है, ये सिर्फ बताने के लिए आपको। देखिए जैसे आपने ऐड कर दिए, जो कंज्यूमर नंबर ऐड करे थे वो जिस जगह का है उस जगह का नाम बता रहा है यहाँ पे। अब इसको अपन देख सकते हैं, व्यू एंड पे बिल है ना, तो इस महीने का बिल कितना है क्या है ये बताएगा आपको, और इसकी लास्ट डेट वगैरह वगैरह, और कितना कंजम्पशन हुआ था इस महीने में वगैरह वगैरह ये बताएगा। उसके बाद इसके और बहुत सारे फंक्शन हैं अब जो हम आपको इसमें सीखना है, जैसे कि ये दूसरे नंबर पे यहाँ पे ऐड एंड रिमूव कनेक्शन। तो यहाँ पर आप जितने चाहे या 5 से 10 ऐड कर सकते हैं, अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा कितने ऐड कर सकते। तो यहाँ पर एक कंज्यूमर नंबर और मेरे ध्यान में है, वो वाला नंबर यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। वो कंज्यूमर नंबर मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा, ये कंज्यूमर नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको ऐड बोल दिया। जैसे ऐड बोले कनेक्शन एडेड सक्सेसफुली टू योर अकाउंट, वो हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे व्यू एंड पे में आ गया दूसरे नंबर का है ना। उसके बाद अब हम आपको क्या करना है, सबमिट रीडिंग है ना। सबमिट रीडिंग में देखो यहाँ पे सबमिट रीडिंग को हम इस महीने की रीडिंग को वो कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह बाद में, इसको बाद में बताता हूँ उसमें रीडिंग कैसा सबमिट करने का। उसके बाद कंप्लेंट्स, कंप्लेन अगर हमारे एरिया की लाइट गई है तो कंप्लेन किस तरह से करने का है, यहाँ पे हम कर सकते हैं एक कंप्लेन का भी एक वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा, कंप्लेन कैसी करने की। उसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री। जैसे आप हिस्ट्री पे क्लिक करें तो यहाँ पर इसके सामने पूरी आपके सामने एक ऐसा इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर दो चीज़ है, बिलिंग हिस्ट्री और पेमेंट हिस्ट्री। बिलिंग हिस्ट्री पर क्लिक करें तो पूरा आपको 4 से 5 महीने का या 6 महीने का तकरीबन बताएगा कि बिल कितना आया था हर महीने में आपको, और कितना कितना पे करे उसके, कि हर महीने में कितने यूनिट जले, कितना बिल अमाउंट था, रिसिप्ट और रिसिप्ट की डेट। उसके बाद इसको बैक लेंगे हम। और पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री में किस मेथड से पेमेंट करे थे वो आ जाएंगे है ना, समझ में। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे ये हो गया। उसके बाद हिस्ट्री के बाद ये फीडबैक है, यहाँ से आप है तो ये ऐप के बारे में या कोई भी आपको कंप्लेन होगी MSCV के बारे में, यहाँ से आप फीडबैक कर सकते हैं ना। चलो उसके बाद सपोर्ट, सपोर्ट में है तो पूरा यहाँ पे इसके ऑनलाइन नंबर है जो आपको बताए हुए कंप्लेन करने के लिए, और ईमेल आईडी है जहाँ पर आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब ये वाला देखिए, इसमें तो बहुत मेन है, अगर आपके लाइट बिल के साथ आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो ये सर्विस का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तो चलो मैं ये पहले वाले कंज्यूमर नंबर को लेता हूँ, यहाँ पर जो है तो कॉन्टैक्ट नंबर है इसको मैं चेंज कर दूँगा है ना। ये जो नंबर है मेरे को ये नहीं होना, आपको लग रहा कि मेरा नंबर नहीं है कोई किसी दूसरे का है, तो आप यहाँ पर कौन सा भी दूसरा नंबर चेंज कर सकते हैं ना ऐसा। और
इसको बाद में है तो ये अपडेट के ऊपर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये आपका अपडेट हो जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपका नंबर है तो अपडेट हो गया। चलो इसको बैक ले लेते हैं, अभी हम आपको नहीं करना है, आप अपना कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऊपर तीन साइड में, लेफ्ट साइड में स्क्रीन की तीन लाइन दिख रही है, इसके ऊपर जाइए। जैसे यहाँ पर जाएंगे आपको बहुत सारे और चीज़ें दिखेंगे जो सामने के मेनू में नहीं आ रहे थे, वो इधर बता रहे हैं ना। देखो जैसे कि इसमें है तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है, बिल कैलकुलेटर। बिल कैलकुलेटर मतलब मिसाल के तौर पर क्या आपको मालूम करने का कि आपको इस महीने में कितना बिल आएगा, तो ये मालूम करने के लिए आप देखेंगे, चेक करेंगे पिछले बिल में और अभी फ़िलहाल मीटर में कितनी रीडिंग है, दोनों का फ़र्क निकालें। जैसे कि आपको 200 या 250 यूनिट हो गए अब तक, तो फिर ऐसे टाइम में क्या करेंगे आप। हाँ तो ये गेट एस्टिमेशन, हाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो 250 यूनिट का कितना बिल आपको आएगा यहाँ पर बता दिया, टोटल 2444। और ये बराबर कैलकुलेशन है इसका और बराबर इतना बिल आएगा। आप पता नहीं, आप थोड़ा रेट चेंज करें, जैसे कि खबर आ रही थी महाराष्ट्र सरकार ने लाइट बिल की अंदर है तो कटौती करी है कुछ, तो इसके लिहाज से बिल आपका कम भी आ सकता। फ़िलहाल तो ये ऐप है जिससे आप चेक कर सकते हैं, अब आगे नए रेट्स उसके ऊपर अप्लाई होंगे और ये कब से अप्लाई होंगे पता चलेगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अप्लाई न्यू कनेक्शन के लिए आपने अप्लाई करे थे वो उसकी स्टेटस, अप्लाई फॉर नेम चेंज भी कर सकते हैं, अप्लाई फॉर लोड चेंज और उसके बाद वगैरह वगैरह है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। इसके बाद का वीडियो मैं ऑनलाइन मीटर की रीडिंग किस तरह से लेना है ये बनाऊँगा। उम्मीद है आप सब लोग इसका इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया।